नमस्कार प्रणाम, कैसे हो आप सब। तो डार्लिंग प्रभास का आज बर्थडे है, तो सबसे पहले उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही वो फिल्म करते रहे, अच्छी वाली, खराब वाली नहीं, और सभी को एंटरटेन करते रहे। तो बात करते हैं उनकी एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है द राजा साहब। जैसे उनका ओहदा है उसी तरह का फिल्म का नाम भी है, लेकिन देखना यह है कि क्या पिछली फिल्मों की तरह ही ऊंची दुकान और फीकी पकवान जैसी बात तो नहीं हो जाएगी। जैसे इस मोशन पोस्टर में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं ना, उसको देख करके तो भैया डाउट तो है कि इसका भी हाल कहीं आदि पुरुष के जैसा ना हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि उसमें भी कंटेंट थी, बेहद बेहतरीन कंटेंट थी, लेकिन फिल्म का जो क्रिटिसाइज किया गया वो था विजुअल्स, सीजीआई और वीएफएक्स के कारण। तो हो ना हो कहीं इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि जो विजुअल्स इस वीडियो में दिखाए गए हैं वो भाई साहब डाउटेबल तो है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि डार्लिंग प्रभास का जो इसमें लुक दिया गया है वो अभी तक के जितने भी उनके द्वारा फिल्म करी गई है सबसे अलग टाइप का लुक इसमें देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये हो सकता है, और ऊपर से कि ये एक हॉरर कॉमेडी भी फिल्म होने वाली है। तो जैसे ही ये मोशन पोस्टर वाली वीडियो शुरू होती है तो डार्लिंग प्रभास का जो बर्थडे का जो एक टोन होता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस म्यूजिक को भी हॉरर टाइप का बनाया गया है। भाई ये काबिले तारीफ है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक हॉरर फिल्म में क्या होता है, या तो एक हवेली होती है जिसको जो उसका मालिक है वो उसको बेचने के लिए आता है, और वो हवेली होती है भूतिया, और वहीं से जो कहानी शुरू होती है। आई थिंक इस फिल्म में भी वही कहानी आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि ये फिल्म में यही कहानी होगी, हो सकता है कुछ अलग कहानी होगी। और इसमें ये भी है कि प्रभास का यंग पिक्चर भी दिखाया गया, और एक राजा साहब के जो लुक में है, एक बड़ा सा एक सिंहासन है उसमें एक बेहतरीन लुक में प्रभास बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि भूत भी वही होंगे और उस हवेली के मालिक भी वही होंगे। तो भैया ये तो फिल्म जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा। वैसे इस फिल्म को 10 अप्रैल 2025 में रिलीज किया जाना है, तो उस दिन पता चलेगा। और उससे पहले इस फिल्म से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट आएंगी। जैसा आपको साउथ इंडस्ट्री की कोई भी फिल्में आती है, टाइटल अनाउंसमेंट, मोशन पिक्चर वाली वीडियो, उसके बाद एक दो सॉन्ग के आएंगे, उसके बाद टीजर आएंगे, ट्रेलर आएंगे, मतलब आप वीडियो बनाते थक जाओगे, लेकिन फिल्म मेकर जो है रिलीज करने से पहले वो पिक्चर जो है उसका प्रमोशन करने की जो भी हथकंडा होता है उसको तो भैया वो लोग नहीं भूलते हैं। तो ओवरऑल देखो क्या होता है। बाकी ये वीडियो वाव लेवल का नहीं है जिसको देखने के बाद आप कहोगे हाँ प्रभास का एक और धमाकेदार पेशकश। नहीं भाई, ज़्यादा एक्सपेक्ट अभी से मत करो, क्योंकि प्रभास से जो भी उम्मीद होता है वो एज ए दर्शक वो टूट जाता है। फैन कह लो तो आप प्रभास का आप जानते हो कि कितना बड़ा ओहदा है, वो जो भी फिल्म करते हैं वो एक फैंस के तरह ही लोग जाते हैं देखने के लिए, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसलिए फिल्म बड़ी हिट हो जाती है, बॉक्स ऑफिस पे धमाका करती है। लेकिन ये कह लो कि बाहुबली के बाद वो कैरेक्टर में जो वो होता है ना, एक तेजपन, एक पैनापन, वो टाइप की फिल्म अभी आनी बाकी है। तो इसे उम्मीद लगा के रखो, देखो क्या होता है। तो बस आज के वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो देख करके आपको काफ़ी मज़ा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।